जी मेरे दो सवाल है हकीम साहब से। जी जी हकीम साहब मुझे दवाई बताए थे, वो हम खा रहे हैं अजवाइन सौंफ सोट, उससे काफी फायदा है, अल्लाह का शुक्र है। आप हकीम साहब से कहिए कि हमें जब नापाकी का हम चलता है उस वक्त में हमें बिल्कुल ठीक रहता, गैस भी बहुत घट बनता है, लेटरिन भी खुल के होता, अच्छा तबीयत रहता। और जब जैसे ही 8 दिन या 10 दिन पूछ जाता है उसके बाद फिर पहले ही हालात में चले जाते हैं, यानी कि गैस बहुत ज्यादा बनता है, जलन होता है सीना में और लेटरिन में कब्ज रहता। और एक चीज भी कहिए, पेट भी बड़ा हो रहा ऑपरेशन के बाद, तो हम गर्म पानी शहद डाल के पी सकते हैं? और दूसरा सवाल ये है हकीम साहब, हम बहुत परेशान है, लड़का है 2 जुड़वा 15-15 साल का, उसमें से एक लड़का नशा करने लग गया। उनके लिए हो सके तो आप अपना भी दवाई भेज दीजिए, हम ले लेंगे, और कोई नुस्खा भी बता दीजिए तो उनको हम खिलाएंगे। अल्लाह ताला आपको हयात में बरकत दे, आपको बहुत अल्लाह ताला कामयाबी और दे, अल्लाह ताला आपको सही सलामत रखे आप दोनों, आमीन आमीन। अब्दुल सलाम भाई से बात कर लें, फिर आपके सवाल की तरफ आते हैं बहन। अब्दुल सलाम साहब इस्तकबाल है जी, बताएं क्या सवाल है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी बहन। जी वो ना मोरिंगा ड्रोन मंगवाया था अपनी जान के लिए हमने। हाँ जी, कौन सा गोंद मंगवाया था आपने? मोरिंगा गोंद मंगवाया था। उनको बार बार है ना टॉयलेट की परेशानी उनके बार बार आता है। हाँ ठीक है, तो किस तरह से लेना है, किसके साथ लेना है? बेहतर ठीक है। ये टॉयलेट की परेशानी है, पेशाब को कर रही है मेरे ख्याल में हकीम साहब, यही है। हाँ देखिए, अगर ये पेशाब की तकलीफ है तो इस तरह लेना है कि 1 ग्राम गोंद मोरिंगा असली और 1 चुटकी गोंद चिलगोजा, बस 1 चुटकी, और आधा या 1 चम्मच लाजवंती, ये 1 खुराक रोज़ाना लिया करें, इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। जी बहन ने अभी जो सवाल किया हकीम साहब, चूरन से उन्हें फ़ायदा तो है लेकिन कुछ मखसूस अयाम में वो ठीक रहती हैं और उसके बाद फिर वो कैफियत लौट आती है। दूसरे 15 साल का लड़का है, उनका बेटा है, जिसे नशे की आदत हो गई है, ये आदत कैसे दूर? ये सब परेशानी है माँ बाप के लिए, और बहुत छोटा बच्चा है, कहने में भी नहीं आएगा, और इस उम्र में बेहिसाब आदमी अपने आप को अक्लमंद समझता है, बेहिसाब ताकत भरी रहती है जिस्म में, और वो किसी की मानता भी नहीं है। अल्लाह इसको छुड़ा सकता है। लोग कहते हैं कि दावा करते हैं कि नशा छूट जाता है, नशा वो बच्चे के हौसला करने से या अल्लाह की मदद से छूट सकता है। कोई ऐसी दवा नहीं है, लोग एडवर्टाइज भी करते हैं, ये चुपके से दे दो, ये चुपके से खिला दो, लेकिन छूट नहीं पाता। आपके पास जो भी वसाइल हैं उन सब को इस्तेमाल करें, और इसके अलावा अल्लाह से दुआ का रास्ता है। मैं भी दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उसको अकल दे। वो बर्बाद कर लेते हैं अपने आप को। अपने बच्चों पर नज़र रखें, इस बुरी सोहबत का असर होता है। मैं उसके लिए दुआ करूँगा। और जो इनकी हालत है हकीम साहब, चूरन तो इस्तेमाल कर रही हैं, और देखिए जो आप दवा ले रहे हैं वो आपको फ़ायदा कर रही है, उसमें कुछ तखफीफ कर लिया करिए, कभी उसमें इजाफा कर सकते हैं। और पानी पिया करिए गरम, आप पानी पीते भी होंगे। और भी 1 चम्मच ये आता है अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल भी कहते हैं, 1 चम्मच रोज़ पी लिया करें। इसे पीकर गरम पानी या चाय पी लिया करें, गरम गरम, इतना गरम कि चुस्कियाँ लेकर पिया जाए तो आपको और फ़ायदा मुमकिन है। जी 2 कॉलर्स और हैं, लेकिन एक छोटे से बच्चे का मसला जो है महफूज है। 18-19 साल जिसकी उम्र है, उसे टाइफाइड है हकीम साहब। हम ज़रूर वो सवाल आप जहन में रखिएगा। दो कॉलर्स को इंतज़ार करवाना मुनासिब नहीं है। अब्दुल हमीद साहब आपसे मुखातिब हैं। समीना साहबा थोड़ा सा इंतज़ार। जी अब्दुल हमीद भाई फरमाइए। जी टीवी की आवाज़ थोड़ी देर के लिए कम कर दीजिए। बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल हमीद साहब थोड़ी देर के लिए टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए जितनी देर आप अपना मसला बयान कर रहे हैं। जी हकीम साहब। जी हकीम साहब। जी सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, फरमाइए। जी ये हमारे आइलिया को बीपी शुगर हो गया। शुगर तो एक 12-15 साल से है। लास्ट लॉकडाउन से उनको बीपी जरा बढ़ गया, हाई बीपी हो गया था जी। तो डॉक्टर का ने इलाज कराए वो कराए, फिर उसके बाद आपका टीवी पे प्रोग्राम देखता था मैं, तो आपके उस पर वो हेल्पलाइन पे कॉल करा था मैं। हेल्पलाइन पे कॉल करके ये सिरका मंगाया था, जैतून का सिरका, वो पी रहा हूँ, ऑलरेडी पिला रहा हूँ। और वो गोलियाँ ज़्यादा खाने से क्या हो रहा बोले तो आइलिया को केराटिन 1.1% हो गया, केराटिन थोड़ा बढ़ गया था। तो फिर आपके हेल्पलाइन पे फिर कॉल करा था मैं। कॉल करे तो कोई खान साहब बोल के वार्ड नंबर 8 पे, उन्होंने बोले गोन मोरिंगा खिला उनको, उससे कम होता बोले केराटिन। अब 1 महीने से ऑलरेडी गोन मोरिंगा सुबह 1 चुटकी शाम में 1 चुटकी खिला रहा हूँ। केराटिन तो वही है 1.1 ही है। ठीक। और टेस्ट कराया था। और एलिया को हमारे जरा सर्दी का मिजाज है तो सिरका वैसे डायरेक्ट पिला सकते ना। ठीक, थोड़ा सा इंतज़ार। समीना साहबा की का सवाल ले लेने। जी बताएं समीना बहन, क्या सवाल है? हेलो जी। हेलो, मैं हैदराबाद से बोल रही हूँ। इस्तकबाल है बहन। जी फरमाइए। हाँ जी, नहीं मेरे बच्चे के नसों में दर्द है, कमर की नस में जो टांगों तक आता है इसकी दर्द है। उम्र क्या है? दवा खा रही हूँ। उम्र उनकी है 35 साल। 35 साल। नसों में प्रॉब्लम है, दर्द रहता है। हाँ दर्द हो रहा है, कमर से नीचे पैर तक दर्द है। ठीक, सुनिए हकीम साहब क्या फरमा रहे हैं। ये उम्र में अब 35 साल में ही दर्द होने लगा है और बहुत इलाज भी किए होंगे आपने। एक इलाज मैं बताता हूँ बेशतर। और एक रॉ मटेरियल है जिसे गौनसिया कहते हैं। मैंने अपने तजर्बे में कभी ऐसी दवा नहीं देखी जो इस कदर रॉ मटेरियल के रूप में हो और फ़ायदा न करती हो। ये आप असली लें, नकली बहुत मिलता है। गौनसिया ख़रीद लें असली। आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम शाम को खाने के बाद दूध या पानी के हमरा दिया करें, आधा ग्राम। याद रखें, तो बच्चा सुन रहा हो तो नोट कर लें, गौनसिया असली लेना ज़रूरी है। और मोहतरम का सवाल था कि एलिया को 12 साल से कमोबेश डायबिटीज़ है, उनको ब्लड प्रेशर भी है। देखिए ये बहुत अच्छा नुस्खा है जो सिरका लेती हैं, और अगर उन्हें चलता है तो वो 2-2 चम्मच पिलाया करें दिन में 2 बार खाने के बाद। यह सालन में भी मिला सकते हैं, तो सालन में मिला लेंगे तो ये ज़्यादा फ़ायदा करता है। ये तो पानी मिला के ले सकते हैं। और जो किडनी की आलूदगी है, गंदगी है, वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन ज़्यादा है। और इसके लिए अलसी को हल्का सा भून लें, अलसी को हल्का सा भून लें, ज़्यादा नहीं भूनना। और 1 चम्मच अलसी और 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिलाएं, और ये पूरे दिन में 1 खुराक दिया करें। उनकी आलूदगी ज़रूरत के मुताबिक आना मुमकिन है। जी एक छोटा सा सवाल हकीम साहब, जैसे उन्होंने कहा उनका मिजाज सर्द है, तो ऐसे में अगर वो सिरका उनके लिए यानी फेवरेबल बनाना चाहें या उनको उनके मिजाज में वो मैं सब मुतदिल कर लें, इस तरह कहिए तो क्या किया जाए? देखिए कितने लोग हैं जिनको खट्टी चीज़ या सिरका नहीं चलता, जो सर्द मिजाज है। वैसे डायबिटीज़ जो है गर्म मिजाज की चीज़ है, इन इमराज के भी मिजाज होते हैं, तो डायबिटीज़ गर्म मिजाज की चीज़ है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ना चलता हो तो इसको मतदिल करने के लिए अदरक और लहसुन का जूस हम वज़न इसमें मिला सकते हैं, तो ये फिर मतदिल हो जाता है। उसके बावजूद भी ना चले तो आप जिन लोगों को सिरका नहीं चलता उनके लिए जामुन का गोंद है। जामुन के गोंद लोग कम जानते हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि दुनिया में जामुन के गोंद से तेज़ असर कोई भी यूनानी या आयुर्वेदिक दवा नहीं है। जामुन लोग खाते हैं डायबिटीज़ में और आधा आधा किलो एक एक किलो खा जाते हैं, लेकिन कुछ डायबिटीज़ 10 से मस नहीं होती, लेकिन अगर एक चुटकी गोंद जामुन ले लिया जाए सुबह एक शाम, खाने से पहले ले लें आधा घंटा पहले, तो बाकायदा इससे डायबिटीज़ अपनी ज़रूरत के मुताबिक आती है। अपनी अद्वियात के साथ इसे लें और इससे ज़्यादा ना खाएं, काफ़ी तेज़ होती है। बहुत ज़्यादा है तो 3 टाइम भी ले सकते हैं, लेकिन 2 टाइम में ये रॉ मटेरियल से फ़ायदा होते हुए देखा गया। ठीक, टाइफाइड की तरफ आते हैं हकीम साहब। 18-19 साल बच्चे की उम्र है, परेशान है बीमारी से। देखिए टाइफाइड एक ऐसा रोग है जो आंतों में जब गंदगी हो जाती है, सड़न हो जाती है, तो उससे होता है। इसके लिए सबसे अच्छा इलाज है एलोपैथ। वो 7 दिन या 15 दिन लगातार लेना चाहिए, साथ में यूनानी दवाएं लेनी चाहिए। और जब भी एलोपैथिक इलाज लें आप तो उसके साथ में 1 चम्मच मैं एक नुस्खा बता दूं, वो उसके साथ लिया करें 1-1 चम्मच सुबह शाम। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, 6 चीज़ें। मेथी का पाउडर बना लें, इन सब चीज़ों का पाउडर बना लें। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का दाना, ये 6 चीज़ों का हम वज़न लेकर पाउडर बना लें। और एक आता है नमक जैतून, एक चुटकी में जितना आए 1 गिलास पानी मिलाकर या 2 गिलास पानी मिलाकर, इस पानी से ये 6 चीज़ों का पाउडर दिन में 1 मरतबा या 2 मरतबा खाया करें तो उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। समरीन पहले आपसे मुखातिब है, बताएं क्या सवाल है? समरीन हमें सुन पा रही हैं आप? हेलो जी जी, बताइए क्या सवाल है? हाँ, अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, आपको भी अस्सलाम। बस तो हकीम साहब को फॉलो कर रहे थे, सेहतमंद है नए बच्चे, हमारी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह उससे पहले जवान दिख रहे हैं माशाल्लाह। हकीम साहब की हर बात फॉलो करते हैं। अभी मेरा सवाल था कि अभी मेरा 5 महीने का बच्चा 5 महीने कम्प्लीट हुए हैं, तो सफिस्तान उन्नाद वाला सर्दी वाला नुस्खा चावल ले सकती हूँ? इसका फीडिंग कराती हूँ अभी बच्चे को, और वो हेयर फॉल के लिए और इसके चेहरे पे झाइयाँ, उसके लिए क्या मैं गोंद मोरिंगा भी ले सकती हूँ फीडिंग कराने के दौरान हकीम साहब? ठीक है, एक कॉलर और है समरीन, थोड़ा सा इंतजार। हनीम है हमारे साथ चेन्नई से। जी बताएं क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। जी हकीम साहब, मेरी कजिन भावना है दो, उनकी ना वो लोग बहुत रो रहे थे क्योंकि उनके ना पसीने में बात आती है और वो नहा के आते भी हैं तो भी उनके पसीने में बात रहती है और इन्हें ज्यादा पसीना होता है। वो इसी बात पर बहुत ज्यादा रोया करती थी क्योंकि हर रोज कोई चुड़ा देता है तो भी वो रोती हैं, के कारण वो बहुत रोती हैं। इसके लिए आप कोई इलाज बताएंगे? ठीक है ठीक है। हाँ देखिए, ये अजीब सा मर्ज है और ऐसे लोग होते हैं कि जिनके पसीने में इतनी बदबू आती है कि सामने वाला एतराज़ करता है, तो लेकिन इसका भी इलाज है। एक तो एहतियात यह है कि बेकरी आइटम ना खाया करें, और चने से बने हुई चीज़ें ना खाया करें, इससे भी बहुत फ़ायदा होता है। और उसके बावजूद अगर ऐसा होता है तो एक चम्मच धनिया का पाउडर खाएं और एक चुटकी नमक, जैतून 2 गिलास पानी मिलाकर दिन में 1 बार या 2 बार ले लिया करें, उनकी ये परेशानी अच्छी होना मुमकिन है। जी हकीम साहब, 2 मसले हैं इनके। समरीन की एक तो 5 माह का बच्चा है और उसे वो सिपिस्तान और नाप वगैरह फीडिंग के दौरान क्या बच्चे को डायरेक्टली दे सकती हैं? दूसरे इनका अपना मसला चाहियों का है, अब गोंद मोरिंगा ये यूज़ कर सकती हैं? हाँ, देखिए बच्चे को तो नहीं दे सकते हैं, बच्चा तो 5 महीने का है, लेकिन ये नुस्खा आप ले सकते हैं। और वो फीड करता है तो ये नुस्खा उसको भी पहुँचेगा और उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा होगा आपके साथ। और वो गोंद मोरिंगा का नुस्खा भी आप ले सकते हैं। उस वो लेने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप के बालों और चेहरे के साथ फ़ायदा ये होगा कि इसको एक मजबूत किस्म का दूध भी हासिल होगा बच्चे को, और वो दूध पीने से आपके अंदर कोई कमी भी नहीं आएगी। दूध के साथ लें तो बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का।